न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एक्सेलेरेटर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक्सेलेरेटर्स की सीरीज के अंदर आज का जो एक्सेलेरेटर है वो है हमारा टैंडम एक्सेलेरेटर। सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें एक्सेलेरेटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जब हमने इस चीज को स्टडी किया तो हमें पता चला कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल या मैं ये कहूं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट आउट करते हैं, उनके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं होती है कि जब वो उस एनर्जी के साथ किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करें तो न्यूक्लियर रिएक्शंस एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। मींस उन चार्ज पार्टिकल के पास या उन अल्फा पार्टिकल के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं थी कि उस एनर्जी से वो टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करें तो टारगेट के एटम जो हैं उन एटम के न्यूक्लियस को वो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल को या अल्फा पार्टिकल को इतनी सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करनी थी कि वो उस एनर्जी के साथ टारगेट मेटल के एटम के न्यूक्लियस को क्या कर दे, डिसइंटीग्रेट कर दे। तो हमें उन पार्टिकल को क्या करना पड़ा, एक्सेलरेट करना पड़ा। मींस उनको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ी, उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी कि वो उस एनर्जी के साथ जब टारगेट मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो टारगेट मेटल के एटम को वो क्या कर दे, डिसइंटीग्रेट कर दे और न्यूक्लियर रिएक्शंस एग्जिस्ट कर जाए। तो आज के इस एक्सेलेरेटर में हम जो बात करेंगे वो है टैंडम एक्सेलेरेटर। टैंडम एक्सेलेरेटर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक हिंदी का मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा कि हम टैंडम को हिंदी में क्या बोलते हैं। टैंडम को हम हिंदी में मिलकर बोलते हैं। अब ये मिलकर वर्ड ही एक्सप्लेन करेगा कि टैंडम एक्सेलेरेटर है क्या चीज। इसका मतलब सबसे पहले टैंडम एक्सेलेरेटर को बनाया किस साइंटिस्ट ने था। टैंडम एक्सेलेरेटर को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो W.H. Bennett ने यूनाइटेड स्टेट के अंदर बनाया था और उन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया था और जब हमने उस कंसेप्ट को यूटिलाइज किया तो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो क्या कंसेप्ट दिया था कि वैन डे ग्राफ एक्सेलेरेटर है वो एक सिंगल स्टेज एक्सेलेरेटर है। और वैन डे ग्राफ एक्सेलेरेटर के अंदर वो सिंगल स्टेज एक्सेलेरेटर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वैन डे ग्राफ एक्सेलेरेटर के अंदर हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जनरेट किया था या प्रोड्यूस किया था कहां पर, हाई वोल्टेज टर्मिनल के ऊपर। और उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने किधर एक्सेलेरेट किया था, लोअर पोटेंशियल की तरफ, मींस ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ। वो कैसे किया था, मैं दो मिनट उसके ऊपर बात करूं। तो वैन डे ग्राफ एक्सेलेरेटर के अंदर होता क्या है, दो पुलीज होती हैं, एक ये पुली नंबर वन, ये पुली नंबर टू। और पुली नंबर वन को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और इस पुली के ऊपर क्या लगा दी जाती है, कोई नॉन कंडक्टिंग एक बेल्ट लगा दी जाती है, एक इंसुलेटर की बेल्ट लगा दी जाती है। वो इंसुलेटर की बेल्ट इन पुलीज के ऊपर क्या करती है, मूव करती है। जब कब मूव करेगी, जब ये पुली मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर। और हमें इधर हमने एक क्या लगाया था, हमने एक कॉम्ब लाइक कंडक्टर लगा दिया था। वो कॉम्ब लाइक कंडक्टर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, हमने इस कॉम्ब लाइक कंडक्टर को एक हाई वोल्टेज के टर्मिनल से कनेक्ट किया था। और कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया था, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। मींस दिस कॉम्ब लाइक कंडक्टर इज टू बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये वेरी हाई पोटेंशियल था यहाँ पे। जब हमने इसको स्विच ऑन किया था तो हमने क्या देखा था कि ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन दैट कॉम्ब लाइक कंडक्टर। और हमें पता है चार्ज सबसे ज्यादा कहां पे आएगा, चार्ज इन जो ये नुकीले सिरे हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर सबसे ज्यादा आएगा तो ये क्या करेंगे, इस बेल्ट के जो एटम्स हैं, मींस ये कोई इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर के जो एटम्स हैं
उन एटम के अंदर से क्या करेगा, जो ये एटम्स हैं उन एटम से ये नए पॉजिटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर एटम का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया तो एटम कैसा एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एक मीन्स पॉजिटिव आयन की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अपियर होगा, इस इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई बेल्ट के ऊपर अपियर होगा, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के ऊपर चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करेगा। ये चार्ज कब फ्लो करेगा, जब ये बेल्ट फ्लो करेगी। तो इस बेल्ट को हमने फ्लो करवाया, और किससे फ्लो करवाया था, हमने इस पुली को रोटेट करवाया इस मोटर की हेल्प से। तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल ने जो ये चार्ज प्रोड्यूस किया है, ये कहां पर प्रोड्यूस किया है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस कहां पर, एट ए हाई वोल्टेज टर्मिनल के ऊपर प्रोड्यूस किया है। और ये पॉजिटिव जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ये रोटेट करके किधर चला जाएगा, एक ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर। हमने इधर भी एक स्प्रे टाइप का या कोम लगा दिया था, इस कोम से इसमें ये जब पॉजिटिव बेल्ट रोटेट करके आएगी तो यहां पे क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से अपियर करता हुआ कहां पर चला जाता है, एक होलो मेटलिक कंडक्टर के ऊपर अपियर हो जाता है। मींस हमने वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज को अपीयर किया एट ए हाई पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल के ऊपर, और वो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर अपीयर होने के बाद चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किधर एक्सेलरेट कर गया, ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर। मींस ये एक सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर है, ये पॉजिटिव है तो ये ग्राउंड है। अब डब्ल्यू एच बेनेट ने हमें ये कहा कि जो वेंडीग्राफ एक सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर है उसको हम क्यों ना टू स्टेज एक्सेलरेटर बना दें, लेकिन जो ये हाई वोल्टेज टर्मिनल है इसको मैं क्या कर दूं, इसके राइट साइड में भी और इसके लेफ्ट साइड में भी क्या कर दूं, ग्राउंड पोटेंशियल लगा दूं, लोअर पोटेंशियल लगा दूं। तो इसका मतलब मैं सेम वोल्टेज को यूटिलाइज करके वेंटेंडम एक्सेलरेटर के अंदर चार्ज पार्टिकल को वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर के कंपैरिजन में दो बार क्या कर दूंगा, एक्सेलरेट कर दूंगा। वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल एक बार एक्सेलरेट करके एनर्जी को गेन कर रहा है, टेंडम एक्सेलरेटर के अंदर वही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दो बार एक्सेलरेट करके उस वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर से क्या गेन कर जाएगा, डबल एनर्जी को गेन कर जाएगा। इसका मीन्स टेंडम एक्सेलरेटर का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसके ऊपर, वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर के ऊपर। मीन्स वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर है दैट इज ए सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर, एंड टेंडम एक्सेलरेटर इज ए टू स्टेज एक्सेलरेटर। तो अब सबसे पहले डब्ल्यू एच बेनेट ने इसको बनाया कैसे, कंस्ट्रक्शन पार्ट पर जब बात करते हैं तो टेंडम एक्सेलरेटर हमारा कितने स्टेप्स पे बना हुआ है, 5 स्टेप्स के ऊपर बना हुआ है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इनको हम अलग अलग स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। मींस जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप क्या है, टेंडम एक्सेलरेटर कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। मींस ये एक डिस्चार्ज ट्यूब का बना हुआ है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकलेंगे या अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट करेंगे। अब ये इमिट आउट करेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो हमें इनको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और हमें पता है एक्सेलरेट कोई भी पॉजिटिव, ये मेरे पास पोज करो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनको मेरे को आगे एक्सेलरेट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कैसे करेगा, जब इसको आगे नेगेटिव मिलेगा। तो हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ऐसे, और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, और इनको ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेलरेट कर जाएगा। अब आगे इसको इलेक्ट्रोड को एक्सेलरेट करना है तो इलेक्ट्रोड को कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं कम नेगेटिव दूंगा तो ये क्या, कम नेगेटिव दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, इसको ज्यादा नेगेटिव देना है ना,
तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेलरेट आगे कर जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, जो ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक हमने एक आयन सोर्स रख दिया जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल सिमिट आउट होंगे या मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिट आउट होंगे। उनको हमें एक्सेलरेट करना है बाय टेकिंग कम से कम कितना 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये नेगेटिव पोटेंशियल से एक्सेलरेट करना है हमें। आगे इनको एक्सेलरेट करने के बाद अब हमें क्या देखना पड़ा, ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आई हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा यहां तक होगा। तो टेंडम एक्सेलरेटर कंसिस्ट ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब एंड दैट डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए एन आयन सोर्स एंड दैट आयन सोर्स एमिट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड। अब ये एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस में से पास करेंगे, सेकंड स्टेप जो मेरा बोल रहा हूं मैं, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल। इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगी, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगी, कम से कम हर चार्ज हर के लिए, हर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने चाहिए। इसका मतलब हमें इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बनाना है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाना है। वो किसकी हेल्प से बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल की हेल्प से बनाएंगे। तो टेंडम एक्सेलरेटर का सेकंड स्टेप क्या है, दैट कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल। अब हमने इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर दिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो कैसे, ये कोई एटम है ना, और ये कैसा एक्ट कर रहा है, ये एटम पॉजिटिव आयन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर पॉजिटिव आयन की तरह एक्ट कर रहा है, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए, जैसे मेरे पास ये कोई एटम है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इस एटम के अंदर में, अगर ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, जैसे मैं मान रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर कितने मिलेंगे, 50 ही प्रोटॉन मिलेंगे। अगर इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया तो इसमें यहां पे क्या कंडीशन आ गई, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 49, और प्रोटॉन कितने हैं मेरे पास, 50 ही। तो इसके अंदर रिजल्टेंट क्या एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्टेंट कितना एग्जिस्ट कर जाएगा, 49 तो नेगेटिव है और 50 प्लस है, तो कैसा एक्ट कर जाएगा, प्लस आयन एक्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो मेरे को अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो वो तो क्या कर देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 50-50, इसका मतलब न्यूट्रल बन गया, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो वो क्या कर देगा, इसको नेगेटिवली बना देगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल क्या करेगी, हर पॉजिटिव आयन के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगी, तो ये पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक मिक्सअप आएगा। क्या पता कोई कन्वर्ट हुआ हो, कुछ ना कन्वर्ट हुआ हो, कुछ कंडीशन ये भी तो आ सकती है, कोई तो एटम जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए ना, ऐड करने के बाद कुछ पॉजिटिव आयन तो कन्वर्ट किस में हो गए, नेगेटिव में, और कुछ किस में कन्वर्ट हो गए, न्यूट्रल के अंदर, और कुछ क्या रह गए, पॉजिटिव ही रह गए। तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, एक एनालाइजिंग मैग्नेट लगाना पड़ा। ये एनालाइजिंग मैग्नेट क्या करेगा, जो ये मिक्सचर आ रहा है पार्टिकल्स का, जिसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल भी हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हैं, न्यूट्रल भी हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हैं, तो एनालाइजिंग मैग्नेट क्या करेगी, न्यूट्रल अनवांटेड जो न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उनको तो यहीं पर रोक देगी, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आगे जाने देगी। तो थर्ड थ्री क्या है, टेंडम एक्सेलरेटर कंसिस्ट ऑफ ए एनालाइजिंग मैग्नेट। और फोर्थ स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ स्टेप कंसिस्ट ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब।
या एक ग्लास ट्यूब बना, मैं जिसका नाम दे दूं क्या है, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर तीन कॉलम्स हैं, 1, 2, 3। कॉलम ये 1 है और ये 2 है। कॉलम 1 और 2 को हमने क्या रखा, ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर रखा दोनों को। इसको भी ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर भी रखा, इसको भी ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर रखा, टू स्टेज बनाना है ना। एंड कॉलम टी, ये मैं एक नाम दे रहा हूं कॉलम टी। कॉलम टी क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि एक टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है वो कहां पर है, हाई पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल है। मींस यहां पर हाई पॉजिटिव वोल्टेज, जैसे वेंडिग्राफ के अंदर हमने ये हाई पॉजिटिव वोल्टेज यहां पे लिया था ना, तो टू स्टेज बनाना है तो हमने क्या कर दिया, एक ग्राउंड एक इधर कर दिया, एक इसके नीचे कर दिया। तो ये जो मेरे पास कॉलम टी है, कॉलम टी के अंदर एक कॉलम टी दैट इज ए हाई पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज है, और इस कॉलम टी के अंदर एक हमारे पास स्ट्रिपिंग कैनल है, ये मेरे पास स्ट्रिपिंग कैनल है। इस स्ट्रिपिंग कैनल क्या करेगी, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, रिमूव आउट कर देगी, निकाल लेगी, बाहर निकाल लेगी, बाहर निकाल लेगी। तो क्या होगा हम बाद में बात करेंगे। और नंबर फिफ्थ स्टेप्स के ऊपर क्या है, टारगेट मेटल कोई रखा होगा जिसके ऊपर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। और ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमें इस वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या कर देना है, लो प्रेशर को मेंटेन कर देना है। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट था। तो मैं एक बार फिर जल्दी से रिवाइज करवा दूं, कंस्ट्रक्शन पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ ए 5 स्टेप। नंबर 1 डिस्चार्ज ट्यूब, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल, नंबर 3 एनालाइजिंग मैग्नेट, एंड नंबर 4 ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब दैट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दे आर एट द ग्राउंड पोटेंशियल, एंड कॉलम टी जो है दैट इज ए हाई पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल, एंड कॉलम टी आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिपिंग कैनल, दैट स्ट्रिपिंग कैनल दैट रिमूव द एडिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज टू बी एडेड बाय द इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल। इसके बाद प्रेशर इनसाइड ऑफ दैट ग्लास ट्यूब, प्रेशर इज टू बी लो मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ दैट वैक्यूम ट्यूब, एंड ये मेरे पास टारगेट है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करते ही यहां से ये आयन सोर्स तो अपना काम कर रहा है, आयन सोर्स अपने अंदर से क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इमिट आउट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट आउट कर रहा है। मीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कर लिया, एक्सेलरेट कर लिया। एक्सेलरेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल क्या करेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जब ऐड अप होंगे तो क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, कुछ न्यूट्रल बन जाएंगे और कुछ पॉजिटिव रह सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने इसको क्या किया, अब जो ये मिक्सचर आएगा किसमें से, इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल में से जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पास करेंगे, तो पास करने के बाद जो मिक्सचर आ रहा है उस मिक्सचर को हमने किसमें से पास करवाया, एक एनालाइजिंग मैग्नेट से। एनालाइजिंग मैग्नेट ने क्या किया है, जो ये अनवांटेड इस पार्टिकल्स थे, अनवांटेड कौन कौन से, जैसे मेरे पास न्यूट्रल पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उनको हमें रोक देना है। और रोकेगा कौन, एनालाइजिंग मैग्नेट रोकेगी। और किसको पास करेगी, सिर्फ अपने अंदर से ओनली पास कर देगी, किसको पास कर देगी, इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पास कर देगी। अब इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम किसमें से पास करवाएंगे, कॉलम 1 में से पास करवाएंगे, और कॉलम 1 के कहां पर है, ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर है, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। अगर लोअर पोटेंशियल के ऊपर है तो इन इलेक्ट्रॉन और लोअर पोटेंशियल के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने की कोशिश करेगा, मीन्स ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मीन्स यहां से ये एक्सेलरेट करेगा, किस वेलोसिटी को गेन करेगा, अगर वेलोसिटी को गेन करेगा तो किसको गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। अगर एनर्जी एक्सेलरेट होगा, किधर एक्सेलरेट होगा, ये हाई पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल होगा। इसका मतलब ये मेरी यहां से फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है किसकी, टैंडम एक्सेलरेटर की।
फर्स्ट इज क्या कह रही है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसके अंदर कॉलम वन के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड द हाई पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल, और क्या गेन करेगा, वेलोसिटी को गेन करेगा, वेलोसिटी को गेन करेगा तो क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। मीन्स यहां से काइनेटिक एनर्जी को गेन करके आएगा नेगेटिव, और वो सब किसके अंदर एंटर करेगा, इस स्ट्रिपिंग कैनल के अंदर एंटर करेगा। ये स्ट्रिपिंग कैनल है क्या चीज, ये बहुत इनके थ्योरी है इसके पीछे, एनालाइजिंग मैग्नेट और स्ट्रिपिंग कैनल के, इसको हमें नहीं अंडरस्टैंड करना है। इस ये सिर्फ क्या काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल तो इलेक्ट्रॉन को एड करेगी, स्ट्रिपिंग कैनल क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किए हैं उनको क्या कर लेगी, निकाल लेगी, रिमूव आउट कर लेगी। मींस जो ये नेगेटिव था ना, अब नेगेटिव में से इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया, दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया तो क्या कंडीशन आ गई, पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो एटम क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, और दूसरा निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये इसका मतलब जैसे ही ये एक्सेलरेटेड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसके अंदर एंटर करेंगे, स्ट्रिपिंग कैनल के अंदर एंटर करेंगे, तो स्ट्रिपिंग कैनल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट कर लेगी, और कितने में से एक चार्ज पार्टिकल में से कम कितने रिमूव करेगी, दो पार्टिकल्स को रिमूव कर लेगी। दो को रिमूव करते ही ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस पे आ गए, अब हाई वोल्टेज पोटेंशियल पे आ गए। हाई वोल्टेज पोटेंशियल के ऊपर आते ही फिर इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने की वजह से किसका मतलब, ये फिर एक्सेलरेट करेंगे, और हाई पोटेंशियल से किधर एक्सेलरेट करेंगे, टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। मींस दे आर टू बी फिर एक्सेलरेट करेंगे यहां पर, और किसको गेन करेंगे, वेलोसिटी को गेन करेंगे, किसको गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे। अगर सपोज करो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी गेन की, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी गेन की, और इसका मतलब इसने कितनी एनर्जी को गेन कर लिया, 2V को गेन कर लिया, डबल एनर्जी को गेन कर लिया, किस केस के अंदर, अगर मैंने एक सिंगल हाई वोल्टेज टर्मिनल को अप्लाई किया है तो यहां से क्या होगा, ये एक्सेलरेट होंगे, और एक्सेलरेट करने के बाद किसके ऊपर स्ट्राइक कर जाएंगे, जिस टारगेट मेटल के ऊपर हमें स्ट्राइक करवाना है उनके ऊपर क्या कर जाएंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे, और न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, एग्जिस्ट हो सकती हैं। तो टेंडम एक्सेलरेटर जो है इसकी मेन एडवांटेज क्या आ गई, हम इस टेंडम एक्सेलरेटर की पहली जो एडवांटेज है, पहली एडवांटेज क्या कहना चाह रही है, इस टेंडम एक्सेलरेटर का जो मेरा टारगेट है और ये मेरा सोर्स है, मींस टारगेट और सोर्स जो है दोनों के दोनों कहां पर है, ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर है, और ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर वर्क करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये इसकी मेजर एक एडवांटेज है। मींस टारगेट एंड सोर्स बोथ आर एट द ग्राउंड पोटेंशियल, सो वर्क ऑपरेशन यहां पर इसके साथ वर्क करना, ऑपरेट करना इसको बहुत इजी है। सेकंड कंडीशन इसके एडवांटेज क्या है, जो सेकंड एडवांटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस ये जो टेंडम एक्सेलरेटर है ये क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, ट्वाइस दो बार एक्सेलरेट कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल क्या गेन कर रहा है, डबल काइनेटिक एनर्जी या डबल एनर्जी को गेन कर रहा है, किसकी हेल्प से, विद ए सिंगल हाई पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल से। मींस एक सिंगल पॉजिटिव हाई फॉर सिंगल टर्मिनल की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल को कितनी बार एक्सेलरेट कर पा रहे हैं, दो बार एक्सेलरेट कर पा रहे हैं, ये इसकी एडवांटेज है। और किसके ऊपर एडवांटेज है ये वाली चीज, ये वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर के ऊपर एडवांटेज है, क्योंकि वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर उतनी ही वोल्टेज को अप्लाई करके एक सिंगल स्टेज के ऊपर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन टेंडम एक्सेलरेटर उतने ही पोटेंशियल के ऊपर चार्ज पार्टिकल को दो बार एक्सेलरेट कर रहा था। लेकिन इस केस के अंदर जो एक डिसएडवांटेज थी, अगर इस टेंडम एक्सेलरेटर को हम कंपेयर करें बीटाट्रॉन या साइक्लोट्रॉन के साथ, तो जो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिल पा रही थी वो उनके कंपैरिजन में लेस एनर्जी मिल पा रही थी, ये इसकी थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ रहा था। तो ये टेंडम एक्सेलरेटर था, और इस एक्सेलरेटर के बाद हम बात करेंगे आयनाइजेशन चैम्बर। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अगला कोई लेक्चर बनवाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।
थैंक यू।